ए फैमिली, सब्सक्राइब का बटन दबाने का है, वरना अपन तुम्हारे घर में आके सब्सक्राइब का बटन दबा देगा क्या। सुबह का समय था और मैं एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। वहां जाके मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, तो सोचा मैं भी बैठूं। और कुछ सोचने के बाद में थोड़ी देर बाद एक ट्रेन आ गई। मैंने वीडियो को स्टॉप किया और मैं ट्रेन में चढ़ गया जाके। तो फाइनली बैठने के बाद में कुछ ऐसा दृश्य नज़र आया था जहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे थे। मैं सोचने पड़ गया कि अब यात्रा कितनी लंबी रहेगी। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं सुबह सुबह जा कहाँ रहा हूँ। धीरे धीरे आपके ट्रेन ने भी गति पकड़ ली थी और हम अपनी यात्रा पे चल दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद में मैंने सोचा कि यार क्यों ना यार सोने का विचार बनाए, क्योंकि ये छोटी सीट है तो इस पर प्लान नहीं बनेगा। तो मैंने एक सीट चुरा ली कहीं से जग जुगाड़ लगा के। मेरे जस्ट साइड में भी कुछ लोग थे और मेरे ऊपर देखो पावर बैंक रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मोबाइल को बाद में चार्ज कर लेंगे। लेकिन गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी और जस्ट साइड में देखो कैसे लोग सो रहे थे। तो फाइनली हम जगह पे पहुंच चुके थे जहाँ जाना था, और हमारे मामा जी का लड़का जिनको आप जानते हैं तो ये हमें मिल चुके थे। बाकी आप जर्नी हमारे मुँह से सुनिए। आइए देखते हैं बाहर से मजा आएगा। तो फाइनली भाई लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ पे जाना था। आपसे बात नहीं कर पाए क्योंकि मोबाइल में चार्ज कम था। हो गई हमारी वाली ट्रेन और पीछे की साइड इस बंदे को जानते होंगे आप ऑलरेडी। और बच्चों क्या हाल है? अरे ये छोरो ऐसे को लगे मौसम को सो। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फिर से आज दूसरा दिन है भाई साहब, आज सुबह दूसरी जगह पे। थोड़ा चेहरा बदला बदला लग रहा होगा आपको, और मैं जा रहा हूँ भाई साहब इस बंदे के साथ में। तो भाई जस्ट अभी मैं यहाँ पे कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो गया। देखो खाली एरिया है ना, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि भाई साहब इतने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं आपको। ये इतने सारे नहीं है भाई साहब, इधर देखो, और देखना है इधर देखो, और देखना है इधर देखो, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, और देखो इधर, और बाकी के मेन गेट और यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर तो वहाँ पे भी ये कंपनी है भाई, बेर हाउस पता नहीं कौन सी फैक्ट्री कोई नई बनी है, तो इसके अंदर भाई वैकेंसी चल रही है। तो इतने सारे बंदे भाई बेरोजगार घूम रहे हैं जॉब के चक्कर में, ओनली 10-10, 11-11 हज़ार रुपये के चक्कर में। अब मैं एक पोस्ट के लिए आया था, वो पोस्ट बता नहीं सकता, लेकिन सैलरी ठीक ठाक है। लेकिन अभी नंबर आएगा नहीं हमारा, क्योंकि देखते हैं कब तक आता है, शायद आए या ना। बोल रहे थे शाम को 3 बजे तक आया, क्योंकि सुबह 9:30 बजे बुला लिया था हमको। और भाई जितेंद्र क्या हुआ आज का? भूखे प्यास आए यहाँ पे, अभी कोई नंबर नहीं है, नंबर आएगा शाम तक। इन कंपनी में आने से बचा लो, कभी लाइफ में जॉब नहीं करी यार, पहली बार आया हूँ लाइफ में, पहली बार बचा लो यार। भाई लोगों आप लोगों के सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों की इच्छा है। जितेंद्र हंस रहा यार, मैं जॉब के लिए आगो जो है क्या करें, मजबूरी है। इसका पहले का फोटो दिखाऊंगा ना बंदे का, आप पहचान नहीं पाओगे। अब देख लो भाई साहब कितना मोटा हो गया। मोटा नहीं हूँ भाई, पतला ही हूँ अभी तो। पतला गया यार, पहले मेरे साथ में रहो, अपन कंपनी में काम करता है जो टाइम पे, कम से कम तेरा वजन होगा 47-50। हाँ अब कितना है? अब अरे उस टाइम पे, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम पे पता नहीं, मैंने भी एक महीना पहले देखा था। अरे अब की बात ना कर रहा, मैं तो अपन की बात कर रहा हूँ जब 2017 की बात कर रहा हूँ, जो अपन ने कंपनी उस टाइम पे तो समथिंग हुए होगा इतने 50 के समथिंग है ना। तो अभी प्रेजेंट टाइम में है ना, मैं फिलहाल में हूँ गुड़गांव हरियाणा,
और जॉब के सिलसिले में आया था, लेकिन देखते हैं आगे क्या सिचुएशन होती है, आप लोगों के साथ में बातें शेयर कर देंगे। और कौन कौन लोग प्रेजेंट टाइम में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कहाँ से हो, कैसे हो, कौन सी जॉब कर रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई लोगों, थोड़ी आप भाई की सपोर्ट हो जाएगी, या फिर आप लोगों के लिए कुछ नॉलेज वाली वीडियो बना दूंगा अगली बार। तो बस यही था, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं और ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।